हम बहुत गरीब तबके के लोग हैं, फिर भी चाह रहे हैं अपने संस्कृति को, अपने कला को एक अच्छे जगह पर अच्छा आयाम दें। तो इस चाह में हम करते रहे हैं लगातार, लेकिन आज है खर्चे की, आज हमारे पास इतना आय नहीं है कि हम उनका ट्रीटमेंट करा सकें। पैसा जितना मेरा पास था खत्म हो गया। अभी तक कितना लग गया होगा दीदी? अभी तक लग गया मोटा मोटी 4 लाख। 4 लाख लग गया? हाँ लग गया। वहाँ भर्ती किए थे BGS में, वहाँ बहुत पैसा लिया, फिर ठीक नहीं हुआ और सीरियस हो गया। जो कलाकार आपको जिंदगी भर हंसाता आया है, आज उनको रोना पड़ रहा है, तो क्यों ना हम उनका आंसू पोछें। सभी से 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये जो भी जिससे जो बन पड़ता है, सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों से मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं। वर्तमान की जो हेमंत सोरेन सरकार है वो खिलाड़ियों के लिए अच्छा काम कर रही है, यानी कि उनको प्रोत्साहित कर रही है और कई बड़े मंचों पर उनको प्रोत्साहन राशि भी दे चुकी है। लेकिन वही झारखंड के कलाकार ऐसे हैं जो समाज को कुछ देते हैं, जिनको देखकर, जिनको सुनकर लोग यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता को पहचानते हैं, लेकिन जब उनको प्रोत्साहन देने की बारी आती है तो फिलहाल सरकार इस मुद्दे पर मौन है। कई कलाकार बार बार ये सवाल उठा चुके हैं कि कलाकारों के लिए ना ही तो स्वास्थ्य बीमा होती है, ना ही कोई वेतनमान होता है, बस जो भी यहाँ के कलाकार हैं वो अपनी रुचि के हिसाब से समाज को कुछ दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार उनके लिए सोच नहीं रही है। ये सब कहने का मकसद बस इतना है कि अब इस वक्त हम राजधानी रांची के कोकर स्थित सैमफोर्ड अस्पताल के बाहर है और मेरे साथ कुछ संथाली कलाकार बंधु आए हैं। ये लोग बोकारो से आए हैं और इनके आने का रीज़न यह है कि इनके संथाली साथी जिनका नाम विक्रम मरांडी है वो यहाँ पे एडमिट है। लीवर का कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से यहाँ एडमिट किया गया है और लंबे वक्त से बीमार चल रहे हैं। और आप जैसे जानते हैं कि सैमफोर्ड अस्पताल में फीस काफ़ी महंगा है, थोड़ा सा इनको दिक्कत हो रहा है और ये सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि कलाकार के लिए कुछ तो किया जाए, कुछ तो मदद की जाए, वो भी ऐसे कलाकार जो समाज को कुछ ना कुछ देते हैं। फिलहाल मैं विक्रम टुटू मरांडी जी के बारे में बता दूं कि ये संथाली फिल्म जगत के हास्य कलाकार है, लोगों को हंसाने का काम करते हैं, कई फिल्मों में काम कर चुके हैं और कभी भी नाट्य मंचों में भी अपने कला का प्रदर्शन कर चुके हैं और बड़ा चेहरा है संथाली फिल्म जगत में। लेकिन आज देखिए उनको पूछने वाला कोई नहीं है। फिलहाल उसी संथाली फिल्म जगत के लखन सोरेन जी हमारे साथ हैं, फिल्मों में काम करते हैं, बड़े चेहरे हैं संथाली फिल्म जगत के। बातचीत करते हैं कि आज इतने परेशान क्यों हैं और रांची आना कैसे हुआ। दादा आपके साथ ही एडमिट है यहाँ? जी हाँ, हमारे विख्यात कलाकार, चूँकि अगर कोई संथाली जानते हैं तो ऐसा नहीं है कि ठप्पन टोडू विक्रम मरांडी को नहीं जानते हैं, तो आज के तारीख में ही नहीं बहुत पहले से उनको जाना जाता है और आज उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है और इतनी गंभीर है कि उनको सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं किया जा सकता है, जिसके वजह से एक प्राइवेट हॉस्पिटल आप देख रहे हैं पीछे, तो इसमें एडमिट किया गया है उनको और उन पर बहुत सारे खर्चे आ रहे हैं और हमारा इंडस्ट्री उतना डेवलप्ड नहीं है, हम इतने बड़े पैमाने पर भी काम नहीं कर रहे कि लाखों करोड़ों की कमाई हम कर रहे हो, ऐसा नहीं है। हम बहुत गरीब तबके के लोग हैं, फिर भी चाह रहे हैं अपने संस्कृति को, अपने कला को एक अच्छे जगह पर अच्छा आयाम दें, तो इस चाह में हम करते रहे हैं लगातार, लेकिन आज है खर्चे की, आज हमारे पास इतना आय नहीं है कि हम उनका ट्रीटमेंट करा सकें। हालांकि हम सोशल मीडिया के जरिए जनता से मांगे हैं कुछ मदद, बहुत सारे लोगों ने मदद किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी भी उनके मदद में कमी है चूँकि उनका खर्चा काफ़ी ज़्यादा है। मैं डॉक्टर से मिला जो उनका इलाज कर रहे हैं यहाँ पे, पी मंडल जी, तो उन्होंने कहा कि उनका खर्चा 25 से 30 लाख तक का खर्चा आएगा उनके इलाज में, तो पहले से थोड़ा बेहतर है चूँकि उनका लीवर में पानी भर गया था, वो निकाला गया है, लेकिन अभी भी उनकी स्थिति उतनी सुरक्षित नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि सरकार जिस तरह हमारे झारखंड में खिलाड़ियों को या लघु उद्योग, कठोर उद्योग, हर तरह, हर क्षेत्र में उनका ध्यान है, लेकिन हम कलाकारों पर भी थोड़ा ध्यान दें, हम भी संस्कृति को बचाने में अपना सहयोग उतना ही देते आए हैं, तो थोड़ा सा सोचें। चूँकि जी ये बताइए कि अभी हेमंत सोरेन जी जो हैं वो संथाली हैं,
संथाली भाषा अच्छे से समझते हैं, वहाँ की संस्कृति को अच्छे से समझते हैं, कलाकारों को भी पहचानते हैं। तो क्या अभी तक हेमंत दा तक ये बात नहीं पहुँची है कि कोई संथाली कलाकार एडमिट है, पैसे की ज़रूरत है, समाज किसी तरह मदद करके बचा रहा है? क्या अभी तक बात पहुँचाने की कोशिश आप लोगों ने की है? नहीं, अभी तक तो ऐसा है कि ऑफिशियली उनसे हम लोग मिले नहीं है, इस मुद्दे को लेकर उनसे मिले नहीं है। लेकिन सरकारी तौर पे कलाकारों को एक अच्छा फैसिलिटी दिया जाए, या उनका भत्ते का हो, या फिर जब तक कोई कलाकार काम कर रहा है तब तक तो उनका पेट चल रहा है, लेकिन जब कलाकार बैठ जाता है, कमाने योग्य नहीं होता है, तो एक तरह का पेंशन होता है कलाकारों का। दूसरे राज्य में हो सकता है वो लागू हो गया हो, लेकिन हमारे झारखंड में अभी तक मैं सुना नहीं हूँ। तो इस तरह का सुविधा मिले उनको, स्वास्थ्य का जो भी ज़रूरत है वो पूरा किया जाए, तो इस तरह का मांग हमारा है। जो क्षेत्रीय फिल्में होती हैं वो बहुत कम ही बन पाती हैं, कमाने का मौका भी बहुत कम ही मिल पाता है कलाकारों का, थोड़ा बहुत जो होता है घर चल जाता है, लेकिन इतने बड़े अस्पताल में खर्चा तो बहुत ज़्यादा है। तो कैसे कर रहे हैं लखन जी, ये इनके विक्रम टुडू जी के कैसे परिवार वाले कैसे अभी तक इनका खर्च उठा रहे हैं? देखिए, उनके पास जो भी जमा पूंजी था वो तो पहले ही ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग सोशल मीडिया में ही लोगों से अर्जी कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि जो कलाकार आपको ज़िंदगी भर हंसाता आया है, आज उनको रोना पड़ रहा है, तो क्यों ना हम उनका आंसू पोंछें। सभी से 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, जो भी जिससे जो बन पड़ता है, सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों से मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। कैसा है लोगों का रिस्पॉन्स? हाँ, लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो जिस तरह लोगों का रिस्पॉन्स है, हम चाहेंगे कि सरकार भी कुछ रिस्पॉन्स दे इसमें, और हमारे संथाली ही नहीं, जो भी यहाँ का क्षेत्रीय लैंग्वेज के जो कलाकार हैं उनको सहयोग करें। चूँकि रांची से बिलोंग करते थे हमारे बंटी सिंह जी, उनका भी मैं सुना हूँ नागपुरी सादरी में बहुत ज़्यादा योगदान रहा था, और इलाज के दौरान ही उनका आकस्मिक मृत्यु हुआ। तो हम चाहते नहीं कि कलाकार लोगों का इस तरह हो, उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिले, अच्छा इलाज मिले। बताइए कि सरकार अभी की जो है खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहित कर रही है, बड़ा मंच दे रही है, उनको राशि भी काफ़ी प्रोत्साहन के तौर पर दे चुकी है, आप लोगों के लिए कुछ हुआ है क्या इस तरह का आज तक? कभी कुछ प्रोत्साहन मिला है, कुछ प्रोत्साहन राशि इस तरह का कुछ? नहीं, देखिए, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है। मतलब हम सम्मान का उम्मीद जरूर करेंगे, क्योंकि अगर सम्मान हमें मिलेगा तो शायद इस फील्ड में काम करने का और थोड़ा हौसला हमें मिलेगा और अच्छे से हम काम कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं है, अगर सरकार सम्मान नहीं भी दी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर सरकार से हम अर्जी करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हम क्षेत्रीय कलाकारों पर थोड़ा ध्यान दें, उनका घर कैसा चल रहा है, किस तरह से उनका स्वास्थ्य को सुधारा जाए, इन सब पर थोड़ा सा उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। थोपंगदा की धर्मपत्नी कुमा किस्कू जी हमारे साथ हैं। दीदी, कब लाए थे अस्पताल में यहाँ रांची? परसों दिन को लाए हैं। हाँ। आज 3 दिन हो गए। हाँ। तो बहुत माने बहुत सीरियस में है भैया, तो थोड़ा हमको भी बहुत माने पूरा तकलीफ हो रहा है, मैंने पूरा टेंशन में है जे ठीक करेंगे, कोशिश तो किए हैं, तो मैंने बहुत बहुत दुख में है। पब्लिक सबसे नेहोर करते हैं, जितना जल्दी पब्लिक ने और मैंने हेल्प करेगा तो ठीक हो जाएगा। तो पूरा कोशिश की है, पूरा दुख में है। अभी तक कहीं से मदद दीदी? कहीं से मदद तो मिले रहा है, बहुत कम मिल रहा है, और ज़्यादा मिलना चाहिए। तो समाज के लोग ही मदद कर रहे हैं, सरकार तरफ से कोई मदद है? सरकार तरफ से मदद नहीं है, समाज के लोग मदद किए हैं। अभी दादा की स्थिति कैसी है? सीरियस में है। सीरियस है? हाँ, सीरियस है। खैर, जैसे आप ही यहाँ पे देख रेख में है ना दीदी? हाँ, हमें देख रहे हैं, मेरा मैंने ससुर भी नहीं है और सास भी नहीं है, और छोटा मेरा देवर है वो है और हम है, मेरा छोटा गोद में बच्चा है, उसके लिए मैंने यहाँ रहना पड़ता है, और क्या करेंगे, अपना आदमी है इसीलिए बहुत कष्ट कर रहे हैं, कोशिश किए ठीक करने के लिए, लेकिन देश का आदमी सब हमको सपोर्टिंग कीजिएगा तो हो जाएगा। मेरे पास कितना ही नहीं है, मेरे जितना था वो सब खत्म हो गया है,
पैसा जितना मेरा पास था खत्म हो गया। अभी तक कितना लग गया होगा दीदी? अभी तक लग गया मोटा मोटी 4 लाख। 4 लाख लग गया? हाँ लग गया। वहाँ भर्ती किए थे BGH में, वहाँ बहुत पैसा लिया, फिर ठीक नहीं हुआ और सीरियस हो गया। तो वहाँ से बात सुने, यहाँ रांची में अच्छा डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, तो यहाँ मैंने सैमपोर्ट हॉस्पिटल में एडमिट किए। तो यहाँ तो डॉक्टर बोल रहा है ठीक हो जाएगा, लेकिन खर्चा ज़्यादा लग जाएगा, इसी तरह बोल रहा है। देखिए, एक क्षेत्रीय कलाकार के लिए, उसके परिवार के लिए महंगे अस्पताल में, बड़े अस्पताल में इलाज कराना कितना मुश्किल है। देखिए, परसों लाया गया है और आज 3रा दिन है और आज 4 लाख रुपए अभी तक ख़त्म हो चुके हैं। तो देखिए, मदद की बिल्कुल ज़रूरत है। लखन जी, कैसे मदद कर पाएंगे समाज के लोग, अगर चाहेंगे इस वीडियो को देखकर कि हम मदद करें अपने कलाकार साथी को या फिर क्षेत्रीय कलाकार को, तो कैसे मदद कर पाएंगे? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे लोग मदद कर भी रहे हैं और अभी सोशल मीडिया के थ्रू ही हम सभी से मदद मांग रहे हैं, क्योंकि इंस्टेंटली उतना रुपया तो हमारे पास है नहीं और उतना हम कमाई भी हमारे नहीं है। तो सोशल मीडिया के ज़रिए हमने फ़ोन पे गूगल पे जारी किया, जिसमें बहुत सारी मदद मिल रही है और लेकिन इतने मदद से भी काम नहीं चल रहा है। तो गूगल पे फ़ोन पे का क्या नंबर है? मैं बता रहा हूँ, एक फ़ोन पे जो पहले दिया गया था 9263-966-907, ये पहले का फ़ोन पे नंबर जो दिया गया था, इसमें बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो गया है और अभी बहुत लोग इसका इशू बता रहे हैं कि हो सकता है कि उनका ये फ़ोन पे काम नहीं कर रहा है, चूँकि इतना सारा ट्रांजेक्शन हुआ है, हो सकता है उसमें कोई इशू। तो विक्रम दा का और एक नंबर है, तो उसमें भी भेज सकते हैं। मैं नया नंबर बता रहा हूँ, 9546-960-689। एक बार नंबर दोबारा बता रहा हूँ, 9546-960-689। तो इस नंबर पर भी आप लोग विक्रम दा का मदद कर सकते हैं, चूँकि फ़ोन पे ये ऐसे फ़ोन पे है, लेकिन आई थिंक गूगल पे के थ्रू भी काम करना चाहिए। और खर्चा बहुत ज़्यादा बताए हैं डॉक्टर साहब, 25 से 30 तक का आएगा और हो सकता है उनका बेहतर इलाज के लिए उनको दिल्ली या चेन्नई ले जाया जाएगा, लेकिन हमारे पास इतना रकम नहीं है, आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। आप लोग चाहेंगे तो विक्रम दा उठ खड़े होकर फिर से हम लोगों को हंसाएंगे। बाकी कलाकार लोगों को बचाना, कलाकार पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, अपना समझकर 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये 5 रुपये अगर सब कुछ करेंगे तो मेरे ख्याल से उनको एक अच्छा मदद मिल जाएगा और हम लोग फिर से उनको नया जीवन दे पाएंगे। कुछ और साथी भी आए हैं लखन जी के साथ बोकारो से, उनसे बातचीत करते हैं। दादा, थोपोंग टुडू को आपने कहा कि बड़ा चेहरा है संथाली फिल्म जगत के लिए, ऐसी हालत में सरकार का नहीं पूछना, समाज का किसी तरह से सहयोग करना, क्या लग रहा है ऐसे में कलाकार क्या आ पाएंगे? जोहार, सरकार से हम यही कहना चाह रहे हैं कि जितना भी हमारे संथाली कलाकार या झारखंडी कलाकार है, जो लोकल कलाकार है, उनको विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। और आज जैसे एग्जाम्पल के जैसे हुआ है, हमारा हास्य कलाकार विक्रम ब्रांडी, जिनको थोपोंग टुडू के नाम से काफ़ी फेमस है, अभी सैमपोर्ट हॉस्पिटल में एडमिट है और अभी उनका स्थिति जिस तरह से डॉक्टर सब बता रहे हैं, इनको काफ़ी पैसा की ज़रूरत है। और सरकार से भी और जितने और लोग जितना विक्रम मरांडी या थोपोंग टुडू का चाहता है, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इनको सहयोग करें, ताकि जो कलाकार है इस क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं, जो कला के क्षेत्र में, हम लोग का फ्यूचर में और भी कलाकार आएँ और इस क्षेत्र को अपना एक कमाने का जरिया बनाएं, अपना जीवन के लिए जरिया बनाएं, एक करियर अपना चुनें। बस हम यही कहना चाहते हैं, और जितना भी ये पब्लिक है या जो विक्रम मरांडी को चाहता वाला है, उनसे मेरा एकदम खास कर रिक्वेस्ट है, जितना भी हो सके उनको मदद करें, अभी सहयोग करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग थोपोंग दा क्यों बोलते हैं उनको? ये थोपोंग दा इसलिए इनको बोलते हैं, एक मूवी बहुत पहले, लगभग 12-13 साल पहले एक मूवी आई थी चोरक चिकन, उसमें ये कॉमेडी के रूप में काम किए हैं और उसमें... इतना पॉपुलर हुए हैं कि आज तक वो जो है ना वही रेनिंग में चल रहे हैं। अच्छा,
लोग उन्हीं नाम से जानते हैं। और ये नहीं कि उनको एक बच्चा बूढ़ा लेके कोई भी उनको वही नाम से जानते हैं। और अच्छा खासा वो कॉमेडी के रूप में अभी हम लोग हैं और है अभी, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इनको सहयोग के लिए सब कोई आगे बढ़े और सहयोग करे। तो अभी लखन जी, अभी स्थिति कैसी है थोपोंगदा की? पहले जो स्थिति थी उससे थोड़ा अच्छी है, बट उतनी अच्छी नहीं है कि वो उठ के चल फिर सकें। उनके ट्रीटमेंट में अभी काफ़ी खर्चा, जैसे मैंने बताया, और लंबा समय लगेगा उनको ठीक होने में, काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो फिलहाल बोकारो से ये संथाली साथी आए हैं अपने संथाली कलाकार से मिलने, और लगातार संथाल के जो भी कलाकार साथी हैं फेसबुक पर लिख पढ़ रहे हैं कि किसी तरह उन तक मदद पहुंच जाए। ट्वीट कर चुके हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, लेकिन ये जनता तक और समाज के लोगों तक भी पहुंचाना था कि जो कोई भी दादा की मदद करना चाहते हैं, अपने समाज के कलाकार को फिर से देखना चाहते हैं हंसाते हुए, तो बिल्कुल उनको मदद करनी चाहिए। और सरकार से भी ये गुजारिश होगी कि थोड़ा कलाकारों पर भी ध्यान दिया जाए। कलाकार आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ दे के जाते हैं, संस्कृति सभ्यता को बचा कर चलते हैं, और अपनी लोकल भाषा में यानी कि क्षेत्रीय भाषा में जिस तरह से लुप्त हो रही है, और उस लुप्त हुई भाषा को फिर से लोगों के बीच लाने का, चाहे वो हास्य रूप में हो या फिर फिल्म के रूप में हो या गाने के रूप में हो, जिस भी रूप में हो, क्षेत्रीय भाषा को वो यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मदद ज़रूर करनी चाहिए। फिलहाल साथी कलाकार जो हैं वो मदद की गुहार लगा रहे हैं आप सभी से, सरकार से भी, तो उम्मीद है कि आप सभी भी मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे, और सरकार से भी बिल्कुल आशा है कि बिल्कुल हमारे थोपोंगदा को मदद ज़रूर करें। हम हैं अभी कोकर में, कोशिश करेंगे और साथी कलाकारों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जुहार रहेगा।